यहाँ पर आज जो है प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत जो ये दीपोत्सव है, ये अलग ही स्वरूप में भव्य और दिव्य तरीके से आयोजित किया जा रहा है। इसमें शोभा यात्रा अभी प्रारंभ हुई है, जिसमें 16 प्रदेशों से कलाकार आए हैं, लोक कलाकार आए हैं अपनी अपनी संस्कृति की झलक प्रस्तुत करने के लिए। साथ ही साथ जो झांकियां हैं वो भी अलग स्वरूप में बनाई गई है, ताकि जिसमें जितने भी रामायण के प्रसंग हैं उन सभी प्रसंगों को स्थापित करते हुए लोगों के समक्ष प्रदर्शित किया गया है, ताकि रास्ते भर लोग उन प्रसंगों को भी देखें और उससे उनकी एक रिमाइंड होता है सभी जो जीवन मूल्य हैं और जो भी शिक्षा है उसके प्रति। साथ ही साथ जो है अलग अलग प्रदेशों की संस्कृतियों को भी हम लोग इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि एक भारत का जो हमारा सनातन संस्कृति का स्वरूप है वो बहुत ही समृद्ध है और किस तरीके से लोगों को ये जानना चाहिए। यहाँ पर शाम को 25 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। पारंपरिक दीप हैं, मिट्टी के बने हुए हैं, जिनमें तेल जो सरसों का तेल होता है वो उपयोग में किया जाता है, रुई के फाहे वहाँ पर यूज होते हैं। और इसको 30,000 से अधिक जो कार्यकर्ता है, स्वयं सेवक हैं, वो सारे के सारे मिल करके, विश्वविद्यालय के बहुत सारे विद्यार्थी हैं, सब मिल करके प्रज्वलित करेंगे। 1100 साधक माँ सरयू की आरती शाम को करेंगे एक साथ, और ये दोनों के दोनों विश्व रिकॉर्ड में शुमार किए जाएंगे। इसके अलावा 6 देशों की रामलीलाएं आई हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, नेपाल, और वो भी यहाँ पर प्रस्तुत की जाने वाली है। शाम को 9 बजे से जो ये मुख्य मंच है रामकथा पार्क का, यहाँ पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी मंचन होगा। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे पूरा शहर सजा हुआ है। शहर में जो अभी झांकियां निकल रही है उसमें पुष्प वर्षा कर रहे हैं लोग अपने से स्वतः स्फूर्त होकर के। इसके अलावा लोगों में बड़ा उत्साह है, दोनों किनारे सड़कों के जो राम पथ पर दोनों किनारे लोग खड़े हैं और बारी अच्छी तरीके से उत्साह के साथ में स्वागत कर रहे हैं।